वेलकम बैक रागिरेंस, क्या हाल है सबके। दिस इज यू सुपर वेज बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। और जैसा कि आपको पीछे में दिख रहा होगा, इधर स्कूटीज लगी है लाइन से और इधर बाइक्स लगी है, और अभी मैं उनको चेकआउट भी कर रहा था आप लोगों के लिए ही, ताकि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आज मैं आ चुका हूँ अलंकार होंडा के बेस्ट डील वाले शोरूम में। यहाँ की वीडियो मैंने काफ़ी बार बनाई है और उस पर आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार रहा था, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दिखाना जितना बाकी वीडियोस को दिखाते हो। तो बिना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि आज क्या स्टॉक यहाँ पे रहने वाले हैं, उनके क्या प्राइसेस होने वाले हैं, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, ये सारा डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ रेगुलर आती रहती हैं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और पहले ही मैं बता दूं कि आज ज़्यादा हैवी बाइक्स नहीं है, मतलब 100cc से लेके 125cc के बीच में ही आज मैं आपको सारे स्टॉक्स दिखाने वाला हूं। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं तो मे भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो वीडियो को इन्जॉय करना और पूरी देख कर ही जाना। फ्रेंड्स, अभी आप सामने देख रहे हो पिंटू भैया को। तो पिंटू भैया पर आए, हेलो। तो सबसे पहले जान लेते हैं पिंटू भैया से यहाँ का एड्रेस और इनका फ़ोन नंबर। एड्रेस है आपको अलंकार होंडा बाईपास रिश्ताबाद नियर इंडियन पेट्रोल पंप, मोबाइल नंबर 9304108204। साथ ही में ये भी बता दीजिए कि लोन वगैरह प्रोवाइड? नहीं, सेकंड हैंड में लोन का कोई व्यवस्था नहीं है अभी। तो जो भी अभी लेना होगा कैश ही? हाँ, कैश और मतलब बैंक ट्रांसफर वगैरह? हाँ, गूगल पे फोन पे चलेगा। ये आपको पैशन प्रो 2011 मॉडल, ये आपको पड़ेगा 36,000 रुपये ट्रांसफर करके। और भैया नेगोशिएशन वगैरह भी है? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि 2011 का पैशन प्रो है और इसका कंडीशन आप देख सकते हो, ये रियर से आप देख लो इसका टायर, फ्रंट से आप इसका टायर देख लो, काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, अभी काफ़ी चलेगी। ये आपको 2015 मॉडल पैशन प्रो, 2015 मॉडल, ये गाड़ी आपको 18,000 रनिंग है। ये आपको पड़ेगा, फाइनल पड़ेगा 43। हाँ, ट्रांसफर का 2500 रुपया, ट्रांसफर 43 के बाद 2500 रुपया। हाँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो दूसरी पैशन है, ये हीरो कंपनी की है और इसका कंडीशन आप देख सकते हो, और अगेन इसका भी टायर देख लो, ये तो लगता है कि नया टायर डला हुआ है, कंडीशन काफ़ी इसका मेंट है। तो अब आते हैं हम लोग होंडा के शाइन, ये आपको 2016 मॉडल है, 2016। हाँ, इसका क्या प्राइस पड़ेगा? ये आपको 46 पड़ेगा ट्रांसफर करके, 46। और रनिंग क्या है इसका? 16,665। और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम? कोई फॉल्ट नहीं है। और ओनर सारी? सारी गाड़ी फर्स्ट ओनर है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये होंडा की शाइन खड़ी है यहाँ पे, और ये 125cc की गाड़ी होने वाली है। इंजन आप इसका देख सकते हो, और ये साइलेंसर का भी कंडीशन देख लो, और टायर का कंडीशन अगर मैं दिखाऊं तो देख सकते हो कि नया टायर इसमें डला हुआ है, और रियर से कुछ इसका ऐसा है हाल। ये आप इसका मीटर कंसोल भी देख लो, और मीटर देख लो कि कितना चला हुआ है। ये आपको 2011 मॉडल साइन है, 2011 मॉडल। हाँ, ये आपको पड़ेगा, आपको 33,000 रुपये ऑल टुगेदर ट्रांसफर के साथ, 33,000। हाँ, ट्रांसफर के साथ आपको ये वाली गाड़ी मिल जाने वाली है 33,000 में। कंडीशन आप इसका देख सकते हो, ब्लैक कलर की है, फर्स्ट हैंड गाड़ी है, पटना रजिस्टर्ड है, और बाकी तो आप ऑन टेबल नेगोशिएशन करा सकते हो, एक बार भैया के पास विजिट करो। ये आपको 2012 मॉडल साइन है, ये आपको 2012 मॉडल, ये आपको 38,000 पड़ेगा ट्रांसफर करके। और इसका रनिंग कितना है? 18,636। 18,000 ये गाड़ी चली हुई है, और ये आप कंडीशन इसका देख सकते हो, टायर वगैरह हर बाइक में यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, ये आप देख सकते हो टायर का कंडीशन, सीएट का टायर डाला हुआ है। ये होंडा साइन आपको 2014 मॉडल, 2014, ये आपको पड़ेगा 38,000 और ट्रांसफर करके। और इसमें आप देख सकते हो कि टायर तो अच्छे कंडीशन में है, बट यहाँ पे आपको मिलेगा ट्यूब वाला टायर, ट्यूबलेस ये नहीं है। बाकी इंजन का कंडीशन आप देख सकते हो, कोई भी स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे आपको इसमें।
और मीटर भी आप देख लो इसका 16,917 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। ये आपको 2013 मॉडल साइन है, ये पड़ेगा आपको 37,000 ऑल टुगेदर ट्रांसफर के साथ। 37,000। और ये चली हुई कितनी है? ये 16,127। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 16,127 किलोमीटर चली हुई है। ये भी होंडा शाइन है 125 cc में। यहाँ आप देख सकते हो शाइन की बैजिंग की हुई है और पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है BR01BW। और पीछे इसका कंडीशन आप देख ही लो और टायर का भी कंडीशन आप देख सकते हो। नया तो नहीं कहेंगे बट काफी बचा हुआ टायर है, काफी टाइम ये चलने वाला है। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क मिल जाने वाला है। तो आज की सबसे हैवी बाइक ये सीवीजेड एक्सट्रीम, ये आपको 2013 मॉडल है। 2013 हाँ। फ्रंट डिस्क ये आपको पड़ेगा 33 ट्रांसफर करके 33,000। तो ये 150 cc गाड़ी है। हाँ ये 150 है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो कि 150 cc की बाइक आपको सिर्फ और सिर्फ 33,000 में मिल जाने वाली है। ये आप देख सकते हो कि ये भी पटना रजिस्टर्ड है और टायर इसका पीछे वाला भी बचा हुआ है अभी, और ऊपर से कुछ ऐसा है कंडीशन। ये हीरो वाली है, ये 2013 की मॉडल है और मिल जाने वाली है 33,000। सारा पेपर ट्रांसफर सब कुछ आपको उसी में इंक्लूडेड है। तो काफ़ी अच्छा डील ये दिख रहा है मुझे। तो ये आप देख सकते हो, मेरे तरफ से ये सजेस्टेड होगा स्प्लेंडर प्लस 2016 मॉडल। तो ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस है जो कि 2016 की मॉडल है। ये आपको पड़ेगा 47,000 में ट्रांसफर के साथ। ये आप कंडीशन देख सकते हो, हीरो का यहाँ पे बैजिंग किया हुआ है। इंजन का कंडीशन आप देख सकते हो, साइलेंसर वगैरह सब कुछ अभी बचा हुआ है। नया टायर इसमें डला हुआ है, पीछे से कुछ ऐसा है हाल इसका। यहाँ पे सब आपको बढ़िया कंडीशन में दिख जाएगा, सीट कवर लगा हुआ है, टंकी का कुछ ऐसा कंडीशन है। ये आप मीटर कंट्रोल देख लो, 14,607 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। फ्रंट से कुछ ऐसा हाल है। तो क्या प्राइस बताया भैया? 47 पेपर ट्रांसफर के साथ। तो भैया स्प्लेंडर का इतना ज्यादा आजकल दाम क्यों है? इसलिए कि गाड़ी में महंगा पड़ता है, ग्रेज बढ़ा हुआ है स्प्लेंडर का। स्प्लेंडर का डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है, पेट्रोल का कीमत बढ़ने से थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो भी सकता है। और ये आते हैं होंडा की ट्विस्टर। ये 110 cc की बाइक है। ये आप देख सकते हो कि पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है और सामने से कुछ ऐसा कंडीशन है इसका। इसका क्या प्राइस पड़ने वाला है? 33,000 पड़ेगा ट्रांसफर के साथ। 33,000। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कैश का कंडीशन है, इसमें भी सीट कवर डला हुआ है। फ्रेंड्स ये वाली ट्विस्टर है 2012 की मॉडल और 33,000 में आपको ये मिल जाने वाली है। ऑल पेपर कंप्लीट, ट्रांसफर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको 33,000 के अलावा कुछ नहीं देना है, उसमें भले आप नेगोशिएशन करा लो। ये आपको ड्रीम वीवर, ये आपको 2014 मॉडल है। 2014 हाँ। ये गाड़ी आपको रनिंग है 15,178। इसका प्राइस क्या? ये आपको 35,000 पड़ेगा। 35,000 हाँ। पेपर कंप्लीट? हाँ कंप्लीट, ट्रांसफर के साथ। ट्रांसफर के साथ आपको 35,000 में ये पड़ जाने वाली है। ये आप देख सकते हो इसका कंडीशन। यहाँ आपको दिखेगा 110 cc का बैजिंग, क्योंकि 110 cc की गाड़ी है ये। और यहाँ पे आप नाम देख सकते हो ड्रीम युगा। टायर का कंडीशन देख सकते हो, नया दिख रहा है। और मीटर यहाँ पे आप देख सकते हो 15,178 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है। और आने के बाद कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा। 2011 मॉडल साइंड है। इसका डिमांड क्या रखे हैं भैया? इसका डिमांड 33,000 है। 33,000 हाँ। पेपर कंप्लीट? हाँ पेपर कंप्लीट ट्रांसफर के साथ। ट्रांसफर के साथ 33,000 में। ये अगेन आपको इसमें भी डिस्क मिल जाने वाला है। तो गाड़ी का कंडीशन कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हो। ये भी 125 cc की बाइक है। टायर का कंडीशन कुछ ऐसा है और ये ऊपर से इसका लुक ऐसा है। और मीटर आप देख सकते हो कि 18,692 किलोमीटर चला हुआ है। फ्रंट से बाइक का कुछ ऐसा लुक आता है, ये आप देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट बाइक पे, जो कि है हीरो की ग्लैमर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा बड़ा ग्लैमर लिखा हुआ है, रेड कलर में है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है भैया। ये कब की है? ये आपको 2013 की है। 2013 हाँ। और इसका प्राइस क्या रखे हुए? प्राइस आपको 40 है ट्रांसफर करके। 13,662 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। 13,662 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। ये आप देख सकते हो कि इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। टायर का कंडीशन काफी अच्छा है। पीछे का टायर का कंडीशन भी आप देख सकते हो। यहाँ पे पीछे से भी आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा हुआ है। और कलर के मामले में तो ये गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। रेड कलर काफ़ी आई कैची हो रहा है। यह देख सकते हो कि कितना शाइन है इसमें। और इसका मीटर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो कि 13,662 किलोमीटर चला हुआ है और ये वर्किंग भी है। आपको दिखाता हूँ स्कूटीज। यहाँ पे 3 स्कूटीज खड़ी हैं, एक्चुअली 4 थी, अभी एक सेल हो गई। तो अब शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से होंडा डियो। ये आपको 2017 मॉडल है। ये आपको गाड़ी रनिंग है 12,612। 2017 मॉडल। 17 मॉडल।
और इसका आस्किंग क्या रखें? इसका 50,000 और आने के बाद तो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा? और ट्रांसफर चार्जेस? ट्रांसफर में इसमें 3600 है। 50,000 के बाद 3600 लगेगा। तो फ्रेंड्स 50,000 के बाद 3600 आपको देना होगा इसका ट्रांसफर चार्जेस। और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो, इसमें सारा आपको जो भी एक्सेसरीज होता है सब लगा हुआ मिलेगा। मिरर वगैरह सब कुछ आपको दोनों इसमें मिल जाएगा। मीटर का कंडीशन आप देख सकते हो। गाड़ी में आपको थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस ही मिलेंगे, लेकिन शाइन काफ़ी अच्छा कर रही है ये। ये आप देख सकते हो कि ये LED होता है। BS4 है ना ये? हाँ, ये BS4 है। ये आपको 2013 मॉडल है। ये आपको गाड़ी 12,000 किलोमीटर चली है। 12,000 किलोमीटर। और आस्किंग क्या रखें इसका? इसका आपको 33,000 रुपये है। 33,000 ट्रांसफर के साथ? हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हीरो की प्लेजर मिल जाएगी 33,000 में, जो कि ट्रांसफर इंक्लूडेड है। एक्सेसरी सारा इसमें लगा हुआ है। ये स्कूटी आपको डुअल टोन में मिलेगी, पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है। या पीछे से ये पर्पल कलर में है और सामने से सिल्वर है। अब आते हैं हम लोग आज की लास्ट स्कूटी पर, जो कि एक्टिवा 5G। इसका आप सामने से देख लो पहले व्यू। ये LED हेडलाइट वाली है। ये BS4 होगी भैया? हाँ, ये BS4। हेडलाइट इसका वर्किंग है, इसका ये पार्किंग लाइट है। LED में आता है ये, आप देख सकते हो। इसका आस्किंग क्या रखें भैया? इसका प्राइस है 52,000 रुपये। 52,000। और ट्रांसफर चार्जेस? इसका 2,500 रुपये। 2,500। तो 52,000 के बाद से 2,500 और देना होगा। प्राइस में थोड़ा बहुत कम बेसी हो जाएगा। और ये कब की मॉडल है भैया? ये आपको 2018 की है। 2018 BS4 होने वाली है। 52,000 इसका आस्किंग प्राइस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिवा 5G का बैजिंग लगा है, BS4 का भी बैजिंग लगा हुआ है। पीछे का लाइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी वर्किंग है। फ्रेंड्स आप इसका किलोमीटर देख सकते हो, 17,289 किलोमीटर चली हुई है। चाबी वगैरह सब कुछ ओरिजिनल है। मीटर आपने देख ही लिया। और आवाज़ भी इसका आप सुनी लो, क्योंकि ये स्कूटी स्टार्ट है अभी। फ्रेंड्स आज का टोटल स्टॉक इतना ही था। अब इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। भैया लोग से अलविदा लेता हूँ। ठीक है, बाय दोस्तों। तो जो भी है डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, यहाँ का एड्रेस और गूगल लोकेशन सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट पर्सन यही होंगे, पिंटू इनका नाम है। नोट भैया, यहाँ सेकेंड हैंड फाइनेंस नहीं होता है। तो जैसा कि भैया ने दोबारा बता दिया कि यहाँ पर लोन वगैरह नहीं होता है, तो कैश या फिर बैंक ट्रांसफ़र ही आपको कराना होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक देकर जाना। चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो। अब मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय।